या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 315। धार्मिक चौपड़ियों में एक छोटी सी वार्ता है। हजरत मूसा नबी बड़े गर्म थे। वो किसी भी गलत चीज को, रॉन्ग चीज को, या किसी गुनाह को या बदी को सहन नहीं करते थे और फौरन मुंह के ऊपर सबको बोल देते थे। लोग खसूसन करके जब इज़राइल उनकी गुलामी में से उनको निकाला गया, पैसा मिला, अच्छे घर मिले, अच्छे कपड़े मिले, मौज शौक हो गई, तो उस जमाने के अंदर जो कुछ भी धार्मिक जगह थी, जिस तरह हमारे जमात खाने हैं, बनी इसराइल लोग, यहूदी लोग अपने जमात खाने को सिनेगोग कहते हैं, इन खानकाहों के अंदर लोगों का आना जाना कम हो गया। एक दिन नबी तूर के ऊपर गए, अल्लाह को कहा कि या अल्लाह, एक दिन के लिए तू रोजी रिज़क मेरे को दे। अल्लाह ने कहा भी क्यों? कि बस मेरी अर्ज है, एक दिन के लिए सारे जहान की रोजी मुझको दे। अल्लाह ने कहा अच्छा, कल 24 घंटे की रोजी तेरे हाथ में। जिब्रील को हुक्म किया कि मूसा जिसके लिए रोजी खोले उसके लिए रोजी खोलना। हजरत मूसा ने जिब्रील को कहा कि कल जो आदमी नमाज नहीं पढ़े उसकी रोजी बंद, हुक्म था।
जो लोगों ने दूसरे दिन नमाज नहीं पढ़ी, खुदा को याद नहीं किया, उनको रिज़्क नहीं मिला। मेजॉरिटी ऐसे हैं, खुदा को याद करने वाले तो हमेशा थोड़े रहे, हमेशा लोग पुकार करने लगे अल्लाह को, उसकी रहमत को। बहुत सारी दुनिया के अंदर गड़बड़ हो गई। दूसरा दिन पूरा हुआ, मूसा को अल्लाह ने कहा कि है मूसा, तूने मेरी मखलूकात को बड़ा हैरान किया, या अल्लाह तुझे याद ना करे उस आदमी को रोजी क्यों देनी। अल्लाह ने कहा देख, मैं रहमान रहीम हूं, तूने मां को नहीं देखा, मां के दिल में बच्चे के लिए कितना रहम है, इससे ज्यादा मेरे दिल में अपनी मखलूकात के लिए रहम है। मैंने मखलूकात को पैदा किया है और पैदा करके मैंने वादा किया है कि तुम्हारी रोजी रिजक का मैं जामिन हूं, यानी मैं जोखमदार हूं। मुझको कोई याद करे कोई ना करे, मैं उसको रोजी पहुंचाता हूं। उस आदमी के कर्म के हिसाब से उसको रोजी मुश्किल मिले या सहलाई से मिले, मगर रोजी देता हूं। मैं भूखा उठाऊंगा सुबह के वक्त, मगर रात को मैं भूखा सुलाऊंगा नहीं। मेरी जो रहमत है वो इस चीज को सहन नहीं कर सकती कि कोई मेरा बंदा मेरा नाम लेवे या ना लेवे, वो रात को भूखा सो जावे, मेरी रहमत गवारा नहीं करती। तेरे पांव के पास ये पत्थर पड़ा है, देख नीचे। मूसा नबी ने देखा, एक पत्थर था। अल्लाह ने कहा इस पत्थर को दूसरे पत्थर से तोड़। एक और पत्थर उठाया, ये पत्थर थोड़ा सॉफ्ट था, इसको मारा तो टूट गया। अल्लाह ने कहा देख इसके अंदर क्या है। देखा तो एक छोटा सा कीड़ा उसके मुंह के अंदर बारीक घास का एक टुकड़ा पड़ा था। अल्लाह ने कहा देख मूसा, पत्थर के अंदर भी जो जीवांत हैं, मैं उनको वहां तक रोजी पहुंचाता हूं, रोजी देने वाला मैं बांधा हुआ हूं। खुदा की रहमत का कोई हिसाब नहीं। वो लोग जो अल्लाह से इतनी चीजें पाके, रोजी रिजक जान माल तंदुरुस्ती आल औलाद सब कुछ, अगर वो खुदा का शुक्राना अदा न करें तो वो जो अनग्रेटफुल लोग हैं, जिनको हम नाशुक्रे कहते हैं, उनको ऐसी बहुत सी सुख की चीजें के जो मोमिनों को मिलती हैं नहीं मिलती। रिजक बहुत सी किस्म का है। एक वो रिजक है कि जो इज्जत आबरू के साथ रोजी मिले। एक ऐसा रिजक है कि जो इंसान को गधा मजूरी करा के फिर रिजक मिले। एक ऐसा रिजक है कि जो इंसान को पेट भर के भी रिजक ना मिले मगर रिजक मिले। खुदा रिजक जरूर देता है, रोजी जरूर देगा, बांधा हुआ है, लेकिन किस तरह की रोजी चाहिए। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे गधे की तरह काम करे, बड़द की तरह काम करे, फिर भी उसको पेट पूरता ना मिले, और एक आदमी को 2-4 घंटे आराम से काम करे और खुदा उसको आसानी की सहलई और इज्जत वाली रोजी दे दे। एक वो रोजी के जो किसी का मोहताज होके खावे, एक वो रोजी के खुद भी खावे लोगों को भी खिलावे, ये खुदा ताला की रहमत होती है। वो आदमी के जो खुद खाता है और लोगों को खिलाता है, ये खुदा की रहमत है। क्योंकि जो आदमी खुद मोहताज है, जो खुद ही पेट पूरा नहीं कर सकता, वो दूसरों को नहीं खिला सकता। खुदा सबकी रोजी देता, कोई किसी को नहीं खिलाता, लेकिन अल्लाह उस आदमी के हाथ से दूसरों को रिज़्क देवे, ये भी खुदा ताला की एक बड़ाई है। खुदा की रिज़्क, खुदा की रोजी, खुदा की तरफ से आबरू,
खुदा की तरफ से तंदुरुस्ती, खुदा की तरफ से और दुनिया की चीजें, उसकी रहमतें, उसकी नवाजिशें, उसकी बरकतें हैं। ये उस खुदा ताला की तरफ से हमारे ऊपर जो बख्शिशें उतरती हैं, हमको उसका शुक्राना करना चाहिए। वो एक माँ की तरह, हमारे बहुत से गुनाह बिन मांगे मुआफी बख्श देता है, बिन मुआफी मांगे बख्श देता है। और बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि हम माफी मांगते हैं, वो मुआफ कर देता है। हमारा ये फर्ज है कि हम उसके दरबार में आके हमेशा उसका थैंक्स माने, ए अल्लाह तूने मुझे रोजी दी, तूने मुझे रिज़क दिया। हमारी दुनिया की माँ की तरह बच्चों की बहुत सी बेदरकारियां, बहुत सी गलतियां, बहुत से अपमान सहन तो करती है माँ, मगर सहन करके फिर भी उसको बेदरकारी में मुआफ कर देती है, उसकी दरकार नहीं करती। खुदा इससे भी ज्यादा हमारे बहुत से गुनाहों को मुआफ कर देता है, हमारी बहुत सी कड़वी चीजों को बख्श देता है। और वो बंदे जो खुदा से प्यार करने वाले हैं, वो भी खुदा ताला के मीठी चीजों को मीठा समझ के लेकिन कड़वी चीजों को भी मीठा समझ के खा जाते हैं। मतलब कड़वी चीज का दुख, कड़वी चीज वो के जो मुश्किल होवे। स्वामी महाराज ए मीठा तो मीठा कड़वा भी मीठा, मेरे मौला का वचन हो, हुक्म हो, तो मैं कड़वी चीज को भी मीठी करके खा जाऊं। हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक जिक्र है, मौला के पास एक खेडूत आया। हमारे ऊपर तो फर्ज है कि हम अपने मुर्शिद की कड़वी चीज को भी मीठा समझ के खाएं, लेकिन हमारा मुर्शिद कैसा है मैं उसका जिक्र करूं। मौला अली के पास एक खेडूत आया, जिस तरह से ये पपई है हमारी, ऐसा ही एक फल होता है अरबस्तान में, मगर जिस तरह पपई कभी कभी कड़वी निकलती है, ऐसा वो फल भी कभी कभी कड़वा होता है। लेकिन जब वो कड़वा होता है तो इतना कड़वा होता है कि जहर की जैसा, बाहर से ऐसा ही ग्रीन रंग होता है, इसी तरह से उसकी पांच साइड होती हैं। वो खेडूत था, 20-25 माइल दूर रहता था। उसके खेतर में जब ये फल हुआ, एक बहुत अच्छा फल तोड़ के वो लेके आया मौला अली की सेवा में, सलाम करके बैठा। कुछ असहाब इर्द गिर्द बैठे थे, कहा खुदावन आपकी रहमत और दया से मुझको एक खेतर मिला, बहुत अच्छा पाक हुआ है, ये पहला फल मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेहमानी के तौर पे, आप रहमत से कबूल करो, आप इसको खाओ। हुजूर ने हाथ लगाया, बहुत दुआ आशीष फरमाई, कहा अच्छा इधर रख दो मैं खाऊंगा। बहुत देर बैठा रहा, मेहमान बैठे थे, मौला उठे नहीं। थोड़ी देर के बाद कहता या मौला आप खाओ। हुजूर ने कहा मैं खाऊंगा। कहते खुदावन मेरे दिल की ये उम्मीद है कि आप कभी मेरी नजर के सामने खाओ, मेरे दिल को बहुत राहत मिले। छुरी मंगवाई, मौला ने अपने हाथ से काटा, उसका एक टुकड़ा मुंह में डाला, बहुत वखान किया, बहुत दुआ फरमाई, बहुत आशीष दी।
दूसरा टुकड़ा खाता, दूसरा खाया, टुकड़े काटते जावे, खाते जावे, उस आदमी को दुआ देते जावे। ये जो आजू बाजू में लोग बैठे थे उनको एक टुकड़ा भी नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं बना कि मौला दूसरों की हाजिरी में कोई चीज खावे और अपने असहाबों को थोड़ा थोड़ा झुरा न देवे, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो आदमी बहुत राजी होके खुश होके सलाम करके चला गया। ये जो असहाब बैठे थे, एक ने कहा कि या अली, हमारे से क्या भूल हो गई, कौन सा गुनाह हुआ कि आज आपकी बख्शीश से हम लोग महरूम रहे। आज तक ऐसा न हुआ कि एक इतना बड़ा फल आप अकेले खा जाओ और हमको एक टुकड़ा भी झुरे का न दो। मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया है कि मैंने तुम लोगों को नहीं दिया वो समझ के नहीं दिया। वो जो टुकड़े छिलते पड़े थे उसमें से एक छिलका उठा के छुरी से बारीक सा टुकड़ा काट के इस आदमी को बोला कि देख, उसने जो मुंह में डाला तो है करके भाग गया। इतना कड़वा मुंह उसका लाल हो गया, पानी से मुंह धोया फिर भी उसकी कड़वास गई नहीं। कहा या मौला, इतना कड़वा, मेरे तो कान बंद हो गए और हुजूर आप सारा फल खा गए। मौला ने फरमाया हाँ, इसलिए मैंने तुमको नहीं दिया कि तुम इसकी कड़वास सहन नहीं कर सकोगे, मुंह बिगाड़ोगे और उसका दिल टूट जाएगा, वो सारी जिंदगी पछतावा करेगा कि मैंने अपने मौला को कड़वा फल खिलाया, इस वजह से मैं हंसते हंसते सारा कड़वा फल खा गया, तुमको नहीं दिया इसलिए कि तुम सहन न कर सकते। हमारा मौला हमारी बहुत सी कड़वी चीजें हंस हंस के खा जाता है, दूसरों को कभी मालूम नहीं पड़ता कि हमारे मौला को कितनी कड़वी चीजें उठानी पड़ती हैं, खानी पड़ती हैं। ये भी उसकी रहमत है, उसकी नवाजिश और बरकत है, उसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं। हमें कभी अंदाजा नहीं, कभी आशा नहीं कि हम अपने मौला को किस तरह से समझ सके, हमारी ताकत नहीं है। जूनागढ़ के 8 माइल दूर धुआं नाम का गांव है, जामनगर के पास, जूनागढ़ नहीं जामनगर, धुआं नाम का गांव है। इस धुआं से अंदर कुछ 20-21 माइल दूर एक इस्माइली खेड़ूत 80-82 बरस की उम्र हो गई। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह के आने का हिंदुस्तान के अंदर चर्चा हुआ, इर्द गिर्द आजू बाजू जमातों में खबरें पहुंची। इस गांव के अंदर भी रात को मुखी साहब की तरफ से अनाउंस हुआ कि मौला बंबई आते हैं। घर आए, खाना खाते खाते अपने बड़े लड़के को इस बूढ़े ने कहा, बेटा मालूम नहीं कब आंख बंद हो जाए, जो कभी तू रजा देवे, मैं मौला का दीदार कर रहा हूं, 40 वर्ष हुए मैंने दीदार नहीं किया। भले पापा, खुशी से जाओ, मां तो थी नहीं, खाली अकेला बाप था, खुशी से जाओ पापा। इसने बंदोबस्त किया, बेटे को कहा कि भला मेहमानी में क्या ले जाऊं, पैसे तो नहीं है मेहमानी रखने के। इनके खेतर के अंदर चिबड़े हुए थे, खरबूजे की तरह जैसा मेलन होता है इस तरह के चिबड़े होते हैं। ऐसा कर थोड़े से कच्चे पक्के के 3-4 दिन में पक जावें, ऐसे थोड़े से चिबड़े दे, मैं जमात की कोई मेहमानी होगी मुखी साहब को पूछ के मैं रख दूंगा, हमारे क्षेत्र के चिबड़े मौला खाएगा, हमें बरकत मिलेगी। जिस दिन जाना था परोड़िए खेतर पे जाके
बेटा थोड़े से चिबड़े ले आया, उसमें से अच्छे अच्छे सिलेक्ट करके पानी से धो के जुदे जुदे कागज में बांध के एक कपड़े की थैली में डाल दिए। बाप को गाड़े में ये 20-22 माइल धुआं के स्टेशन तक छोड़ आया और वहां से वो ट्रेन में बैठ के बॉम्बे आया। बॉम्बे आया, रास्ते में 2 दिन लग गए। बॉम्बे पहुंचा, हजर इमाम आ चुके थे। सारा दिन तो इसी तरह से निकल गया, 3 दिन हो गए। बॉम्बे में जरा गर्मी भी थी। अब इस बूढ़े मियां को यह ख्याल नहीं आया, चिबड़े निकाले नहीं, इसी तरह से थैली लेके गया हसनाबाद के कोई अमरदार के पास कि मैं ये चिबड़े लाया हूं, किसी मेहमानी में रख दो। हाँ, बड़ी खुशी से एक आदमी को कहा, इसके चिबड़े देखो रख दो कहीं मेहमानी में। उसने कहा, बापा आओ इधर। अब जब ये थैली खोली निकालने गया तो उंगलियां अंदर घुस जाने, चिबड़े गल गए थे। उसने कहा, देखो इसमें एक भी अच्छा नहीं कि मैं कोई मेहमानी में रखूं, और मेहमानी में उत्तम चीज हम रखते हैं। उसको ये चीज बहुत बुरी लगी। ये रियलाइज नहीं किया कि चीज मेरी बिगड़ गई, उसने ये रियलाइज किया अपने दिल के अंदर, ख्याल किया गलत हिसाब से कि मैं गरीब हूं, इसके लिए इसने मुझे निकाल दिया। वाकई से बड़े खराब हो गए थे। एक आध नंग थोड़ा जरा सख्त था, लेकिन वो भी बात मारता था दूसरों की तरफ से। दूसरे ऑफिसर के पे गया, तीसरे ऑफिसर के पास गया, चौथे ऑफिसर के पास गया, मगर बात ऐसी थी, वस्तु खराब थी, किसी ने कबूल ना किया। इसका दिल बहुत रंज हुआ। किसी बेचारे की कम नसीबी, जिस कांवड़िया कासम अली छबील दास इधर उधर घूमते थे, उसकी नजर पड़ गई कि ये बुढ़ा अभी साहब आने वाले हैं, इधर से उधर, उधर से इधर से उधर क्यों जाता है। एक वॉलंटियर को बुला के बोला, इसको लाओ मेरे पास। कांवड़िया कासम अली बड़ा सख्त था, इसके पास लाए, इसने चिबड़े देखे, इसने बोला फेंक दो इन चिबड़ों के। वो फेंक देने की बात से इसने कलेजे को हाथ रखा, रो पड़ा, कहते बापू इसको फेंको नहीं, मैं साहब के लिए लाया हूं, मेरे को दे दो। बोला अच्छा, इसको पकड़ के जहां आदमी लग खड़े हैं उसके 3-4 लाइनें पीछे रखो, देखना ध्यान रखना हाजिर इमाम आते हैं कहीं ये चला न जावे। उसके ऊपर एक जिन बिठा दिया इस तरह से। मौला की गाड़ी आई, बुड्ढे ने रोना शुरू किया कि मैं गरीब हूं, ये मेरी हालत, रियलाइज नहीं करता कि चीज ऐसी खराब है कि कोई भी कबूल ना करे, कोई आदमी खावे भी नहीं। मैं हजरत अली की और सुल्तान मोहम्मद शाह अली की, दोनों अली हैं, एक ही नूर है, मैं इन दोनों की बात आपके सामने रख रहा हूं। मौला बाहरी हसनाबाद के बाहरी गाड़ी से उतर गए, आदमी बहुत थे, सफर में हम पांव से जाएंगे, सबको दीदार मिले। इधर देखे खाना वदान फरमावे, इधर देखे खाना वदान फरमावे, हाथ ऊंचे करे, इधर हाथ ऊंचे करे, हंसता 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 चला आया। मेहमानियां पड़ी हैं, घूमते घूमते जमात खाने के नीचे जो लोग खड़े थे, हाथ पीछे रख के लकड़ी के ऊपर टेका लेके सब पूछते हैं, हसन मुखी, मुखी हसन लाल जी देवराज को, ये जमात खाने को कितने बरस हुए हैं, खुदावंद इसको इतने बरस हुए हैं, इसको थोड़ा रिपेयर मांगता है, हर रोज आता है, मगर ये बात कभी नहीं निकाली। आज जमात खान देख के उसको ये याद आया। भले खुदावंद, मजीद खान को बुलाया, देखो इसका एस्टीमेट कराओ। भले खुदावंद, हमको कल इसकी रिपोर्ट दो। भले सरकार, ऐसा बातें करता जावे, हंस हंस के इधर उधर देखता जावे। वो बुढ़ा बिल्कुल सामने 3-4 लाइनों के पीछे खड़ा था, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। ये बहाना बनाया इसने बिल्डिंग का, लेकिन खड़ा रहा उसके लिए। वॉलंटियर इधर खड़ा था और वॉलंटियर की ड्यूटी ये थी कि उसका ध्यान रखे कि वो साहब तलक पहुंच ना जावे।
अब इस तरफ वॉलंटियर खड़ा है, उसके बिल्कुल साथ नजदीक खड़े हैं वॉलंटियर अटेंशन, उसको और कुछ नहीं सूझा। हजर इमाम सामने हो गए और क्या सूझे, वो बूढ़े को भूल गया। हजर इमाम थोड़ा और आगे आए, वॉलंटियर जरा पीछे हट गया कि साहब के साथ लगे नहीं। माँ बाप ने ऐसा देखा ऐसा देखा, उसको कहा कि तुम कभी आए। वो तो बेचारा रो रहा था अपने मन में कि मैं क्या चीज लाया, किधर से लाया, कोई मेरा ठौर ठिकाना नहीं। तो उसके बाजू वाला एक आदमी खड़ा था, कहते खुदावन मैं क्या लाया, हम तुमको नहीं पूछता उसको पूछते। उसने उसको ठोका दिया, साहब तेरे को पूछते हैं। साहब पूछे तो अगले लोग हट गए। नजदीक आया, वॉलंटियर ने देखा आदमी तो वही है, लेकिन अब क्या साहब को मना करे कि साहब कांवड़िया ने मना किया इसके साथ बात नहीं करना, कांवड़िया भी साथ है। इधर से पकड़ के उसको नजदीक बुलाया, तुम कभी आए हो, कितने कल आया, आवाज ना निकले। हाँ कल आए हो, रस्ते में बहुत तकलीफ हुआ। नहीं खुदावन कोई तकलीफ नहीं हुआ। गाड़ी में मुसाफरी किया, बैलगाड़ी में। हाँ खुदावन कितना माइल, खुदावन 22 माइल। खेतर का काम करता, हाँ खुदावन हमारे लिए खेतर में से कुछ लाया। साहब ये चिबड़े लाया हूं, थैली खोली, मौला ने अंदर हाथ डाला, उसमें से एक चिबड़ा निकाल के लंबा सांस लेके साहब सूंघते हैं सबके सामने कि मेरी नजर में अमीर गरीब का कोई ख्याल नहीं, मेरी नजर में ऊंचे नीचे का कोई ख्याल नहीं, मैं तो दिलों का भूखा हूं, मैं तुम्हारी मोहब्बत चाहता हूं, ये फल फ्रूट मैं घर पे भी खा सकता हूं। खूब सूंघा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नरम हो गया है, बास आती है, हमको तो हम नहीं खाएं, मगर वो उसको कहता बहुत अच्छा है। वो खरबूजे की बास नहीं थी, उसको मोहब्बत की बास अच्छी लगी, बहुत अच्छा है। मजीद खान, अरे सरकार देखो ये तुम ले लो, गाड़ी में रखो, हेनरी को बोलो उसको देवे कुक को इसकी आइसक्रीम बनाए, आज दोपहर को हम इसकी आइसक्रीम खाएगा, समझे। जी सरकार, उठा के थैली गाड़ी में चली गई। मेहमानी के पास पे न पहुंच सकी, लेकिन उसके घर तलक पहुंच गए। खुदा तो नियत ने दिल देखे, वो हमारी नियत से वाकिफ है। हम जो कुछ भी अंदर अपने मन में विचार करते हैं वो उसको जानता है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। लेकिन याद रखो मोमिनों, हजर इमाम कोई दुनिया के मदारी की तरह, मैजिशियन की तरह, जगलर की तरह, हिप्नोटिस्ट की तरह, जैसे बहुत दफा लोग आते हैं किसी सर्कस के साथ या कोई और जगह से आते हैं तो एक्रोबैट की तरह 10-20 हजार आदमी इकट्ठे होते हैं, उसमें वो एक्रोबैट के चक्कर मारते हैं, हिप्नोटिज्म करते हैं, जुदी जुदी जात की खेले तमाशे करते हैं, जादू की बातें करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। हमारा हजर इमाम जादूगर नहीं, हमारा हजर इमाम जगलर नहीं कि वो रस्ते में चलते चलते जगह जगह मौजज़े करता फिरे, नहीं। वो मौजज़े उसके साथ करता है कि जिसका संबंध हजर इमाम के साथ प्यार मोहब्बत का होता है, उसी के साथ उसके मौजज़े होते हैं, गैरों के साथ नहीं होते, नहीं होते, मगर मौजज़े होते हैं। हमारा इमाम मौजज़े करता है और मौजज़े उसको नजर आते हैं और उसके साथ होते हैं जो अपने इमाम से प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उसके ऊपर उसकी रहमतें उतरती हैं, नवाजिशें उतरती हैं, उसकी बख्शीशें उतरती हैं, उसको पकड़ पकड़ के इस तरह कलेजे से लगाता है कि दूसरे हैरान रह जाते हैं, हैरान। लड़ाई का जमाना था, डॉक यार्ड के अंदर अपना एक इस्माइली मैकेनिक काम करता था बॉम्बे की डॉक यार्ड में, हसनाबाद के मजगाम डॉक यार्ड नजदीक है, बहुत दूर नहीं, और उस बेचारे के ऊपर काम का प्रेशर बहुत था। 8 दिन से इमाम का उसने दीदार नहीं किया था,
और आज छेला दिन था, छेला दीदार होता, क्योंकि शाम को हजर इमाम जा रहे थे कराची, बारपेटा स्टीमर में बैठ के 2 बजे जाना था। हसनाबाद में इस पदरामनी का छेला दीदार था। ये अपने ऑफिसर के पास गया तो कहता है, मैं इस्माइली हूं, आज आगा खान जाते हैं, मैं 8-10 दिन से नहीं गया, जो तू रजा देवे तो मैं आज होके आऊं, और तू बोलेगा तो मैं रात को एक्स्ट्रा आवर्स काम करूंगा। अच्छा आदमी था यूरोपियन, उसने बोला जाओ। अब इसने सोचा घर जाऊं, नहाऊं, कपड़े पहनूं, इतना टाइम नहीं, हाजिर इमाम आते थे सुबह 8:30 बजे, तो सोचा कि मैं बाहर खड़ा रहूं, मौला का दीदार हो जावे, बस एक आंख से देख लूं, कोई लाजिम नहीं कि बिल्कुल बाजू में ही उसको देखना चाहिए, आशिक लोग तो उसको दूर से देख के अपने दिल को ठंडा कर लेते हैं। देख लेते हैं तुझे, देख लेते हैं तुझे, दिल की भुजा लेते हैं, जेर दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं, तेरी दीवार के नीचे खड़े हैं, तुझे दूर से देख के दिल की लगन बुझा लेते हैं। जब ये इधर हसनाबाद पहुंचा, हजर इमाम आ चुके थे, वॉलंटियर अंदर जाने न देवे, इसने सोचा कि गाड़ी भी अंदर है साहब की, हजूम इतना है कि बात छोड़ दो, और इसने वो मैकेनिक का सारा ओवरऑल पहना हुआ है, इसको अंदर घुसने में भी डर आवे कि दूसरों के कपड़े खराब होंगे। आखिर एक अच्छा वॉलंटियर उसको समझ गया, बहुत मिन्नतें की, उसने इसको जाने दिया, अंदर घुसा। मौला ऊपर हसनाबाद के कूबे में थे तो ये इधर से जावे, साहब दिखे नहीं, इधर से निकला, साहब नजर नहीं आवे, 1.25 घंटा इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कहीं भी मौला की झलक नजर न आई। बस इतने में विसल बजी मां बाप के जाने की, तो इसका दिल डूबने लगा, ओह आज छेला दिन दीदार का, कपड़े मेरे ऐसे कि मैं आगे घुस ना सकूं, लोगों के कपड़े खराब ना हो, इसलिए आज या मौला कैसी कम नसीबी मेरी कि मुझे तेरा दीदार न मिले आज। बस मौला जब ही नजदीक आए, हसनाबाद के बॉय स्काउट का बैंड था, उन्होंने सलामी दी, ये समझ गया कि सलामी खत्म होगी, साहब गाड़ी में बैठ के चला जाएगा। इसका दिल बहुत रंज हुआ। हसनाबाद के पड़थार के बिल्कुल बाजू में वहां एक कुआं है छोटा सा, जिसके लिए साहब ने फरमान किया हुआ है कि टीबी की बीमारी भी ये पानी पीने से दूर हो जाएगी, और ये बिल्कुल सच बात है। पर कौम के बहुत से लोग उधर आके ये पानी की बोतलें और बाल्टियां भर के ले जाते हैं। ये कुआं ऊपर से तो ढका हुआ है, बाजू में एक झाड़ है, इस झाड़ के नीचे बहुत से लोगों ने जूते रखे हुए थे। जब ये बिल्कुल हताश हो गया, निराश हो गया कि अब मुझे क्या दीदार मिलेगा, एक लगा के झाड़ के साथ ऐसा रोने में पड़ा, दिल इसका रंज हो गया, आंसू आ गया आंख में से। नेशनल एंथम अपना जो था, मौला की सलामी पूरा हुआ, वॉलंटियर दरवाजा खोल के खड़ा है, मौलाना हजरत इमाम को उसके पीछे जो चाले बनी हुई हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं, चाले यानी बिल्डिंगे, साहब को उस बिल्डिंगों का ख्याल आया, मजीद खान को कहा कि मुझको ये बिल्डिंगे देखनी है, बिल्डिंग में उधर जाने का रास्ता यही है, ये झाड़ के नीचे से जावे। फॉरन वॉलंटियर ने वो जो रास्ता था वो खोल डाला,
हटो 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 जगह कर दी। सरकार चले, बिल्कुल ये झाड़ के नीचे इतनी बहुत जूतियां थी, वॉलंटियरों ने जूतियां हटाई, बीच में से रास्ता किया। इसको जब ये शोर बकोर का पता लगा, आंखें खोली तो सरकार चले आते हैं इसकी तरफ, हाथ बांध के खड़ा हुआ, बिल्कुल अकेला था। मौला नजदीक आए, इसकी तरफ देख के खनावदान फरमाई, आंखों में से आंसू चले आते हैं, पूछने का ख्याल ना आया। साहब नजदीक आए, कपड़े गंदे हैं, नहाया नहीं, लेकिन इमाम ने इसकी गर्दन के पीछे हाथ डाल के कलेजे से लगाया, ऐसा पकड़ लिया साहब ने उसको, बख में ले लिया। देखो तुम भी हमारा रूहानी बच्चा है, कभी दिलगीर नहीं होना। मजीद खान आज हम बहुत थक गया, अभी ये फिर कभी देखेंगे, वापस चला आया। वो बिल्डिंगें देखने नहीं गया, वो तो बहाना बनाया था, इसने बहाना बनाया था। आया शाजी अरज वे नाते हम लिखा है, इसलिए आप ताज्जुब नहीं करना कि मैंने क्यों बख्शनहार बोला है। दोनों का मतलब यही है। दीनदयाल का मतलब रहमान और रहीम है। उस इमाम की यह रहमत हर जगह मौजूद है, और खास करके जमात खाने के अंदर। यह घर रहमत से भरा हुआ है, रहमत से भरा हुआ है। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं जिस तरह हमारा मजहब है, कि जहां हाजिर इमाम की जीती जागती जोत हर जगह हाजिर नाजर मौजूद हमको जमात खाने में मिलती है। अल्लाह सब जगह है, सारी दुनिया कहती है, मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन हमारा जो ख्याल, हमारा जो ईमान है वो और तरह का है। हाजिर इमाम की नूरानी जोत, नूरानी हिसाब से जमात खाने में हाजिर नाजर है। तब पर यह फरमाया कि मैं जिस तरह शारीरिक तौर पे मैं जमात खाने के अंदर हाजिर हूं, 24 घंटे मैं इसी तरह जमात खाने के अंदर बैठा हूं, और मेरी गादी के ऊपर, मेरे तख्त के ऊपर मुखी कामड़िया विराजमान है। यह हाजिर इमाम का तख्त है, जहां इमाम की जोत जगती है। कोई भी आदमी जिसको इमाम अपनी जोत देता है, वो जोत जोत का काम करती है, इंसान उसके बीच में नहीं आते। ये इमाम की तरफ से जमात खाना, गट जमात भर के जब बैठते हैं, उस वक्त 16 कला पीर की हैं, वो यहाँ जमात खाने के अंदर हाजिर मौजूद हैं, और ये 16 कला यानी 16 कला से, कला का मतलब शक्तियां, दुनिया और दीन की, मुखी कामड़िया मुखियानी कामड़ियानी को इमाम की तरफ से बख्शीश होती है। हमने मुखी के हाथ में 2 सेंट रख दिए, वो इमाम के हाथ में रखे हैं, मुखी जाने इमाम जाने,
हम उसके बीच में कुछ नहीं, हमारी चीज पहुंच गई, हमारी चीज पहुंच गई। गत का दर्जा इतना बड़ा है और गत की तरफ से मुखी हेड होता है, इसके लिए इमाम के पास मुखी अर्ज करता है जमात की तरफ से। इमाम और जमात के अंदर मुखी का मड़िया है। इमाम कहते हैं मुखी मेरा हाथ है सीधा और कांवड़िया मेरा दाबा हाथ है। मतलब ये कि ये दोनों हाथ रहमत से भरे हैं, माँ बाप के हाथ हैं, माता पिता की तरफ से। बाप जो है वो रोजी देता है, रिजक देता है, माँ रहम करती है, पका के खिलाती है, दुख उत्थान करती है और बाप के पास बच्चे की बातें पहुंचाती है। ऐसा बहुत होता है, बहुत दफा बड़ी बड़ी उम्र के अंदर भी, कि बाप के पास जाके बच्चा कुछ नहीं मांगता, माँ को पकड़ता है और माँ फिर बाप से मनवा लेती है, न मानने वाली बातें भी बाप मान लेता है। ये पिता समान है, पीर ने कहा हुआ है, पीर ने कहा है, महिमा हमारी माता तनु अने पिता भी हमने जान। हमारी जो इम्पोर्टेंस है, महिमा यानी इम्पोर्टेंस, वो माँ की तरह है। ये माँ और बाप की जोत जमात खाने के अंदर मौजूद है। मैंने जो ये रहमत की बातें सुनाई हैं कि इमाम की ये बख्शिशें और रहमतें, सिर्फ लाजिम नहीं कि हाजिर इमाम की जाहिरी हाजिरी के अंदर ही हमको ऐसी चीजें मिले, जमात खाने के अंदर भी मौजजे होते हैं, लेकिन मौजजे जादूगरी की तरह नहीं। जो इंसान अपने दिल में कोई भी धारणा करके आवे, उसकी नेक उम्मीद इस दरबार में पूरी होती है। प्रिंस अली खान माँ बाप की जो माता श्री थी, माता थेरेसा की वफात से थोड़ा टाइम पहले पेरिस के अंदर नगीना वाला मुखी था। इसको मौला ने मोहम्मद अली नगीना वाला उसका नाम, मौला ने इसको टेलीफोन किया कि तुम अभी अभी 5 मिनट के अंदर जैसी भी हालत में हो तुम जल्दी यहां पहुंचो। बेचारा भागा। मौला के बंगले पर जब ही पहुंचा तो हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बंगले के बाहर टहल रहे थे, मुखी का इंतजार करते थे। हाथ पकड़ के अंदर ले गए, बेडरूम में गए। माता थेरेसा आंखें बंद है, उखड़े उखड़े सांस चल रहे हैं। मुखी को मालूम नहीं था कि माता थेरेसा इतनी बीमार है। कहा खुदावन हमको मालूम नहीं बेगम साहबा इतने बीमार हैं। देखो मुखी अब ये उसका आखिरी वक्त है, तुम उसको छांटा दो, हमने छांटे के लिए तुम्हें बुलाया है। लेकिन खुदावन मेरे आने की जरूरत नहीं, तुम हाजर इमाम खुद साक्षात मौजूद, देखो ये बात करने का वक्त नहीं, तुम इसको छांटा दो। हुक्म मौला की हाजिरी में बेगम को नगीना वाले मुखी ने छांटा दिया। थोड़े टाइम के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर माता थेरेसा ने वफात पाई। कुछ दिन निकल गए तो फिर ये जब बात निकली, मौला ने फरमाया कि छांटा देना ये मुखी की सत्ता है, हमने ये अमर जमात को दिया है और जमात के अंदर मुखी को ये सत्ता है कि वो गुनाह की मुआफी के लिए इमाम की तरफ से बैठा है। गुनाहों की मुआफी ये कोई छोटी चीज नहीं, ये छोटी ताकत नहीं। इसलिए मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि ये जो 2 पाठ हैं, यानी जहां इमाम का तख्त है, यहां आके अपनी मुरादें मांगो, दुआ कराते वक्त अपने दिल में जो कुछ भी आपकी इच्छा है यहां पूरी होती है। आपके दुख सुख, आपकी रोजी रिजक, आपकी जान माल, आपकी आल औलाद, आपकी इज्जत आबरू, जो कुछ भी चाहिए दुनिया या दीन की चीजें इस जमात खाने में मिलती हैं। हमारे से कुछ मिन्नत
या कोई ऐसी सुखा मांगता की भूल हो गई तो उसके लिए इमाम का फर्ज माफ हो गया। ये इमाम की रहमतें हैं कि जो इस जमात खाने के अंदर या सारी दुनिया के जमात खानों के अंदर मौजूद हैं, उसकी रहमतें, उसकी नूर की बारिशें इस जमात खाने में होती हैं। हमेशा जमात खाने में आओ, कारण के ये इमाम का घर है। हाजिर इमाम का वो घर नहीं कि जैसे स्टाज में या पेरिस में या जिनेवा में, वो तो दुनियावी घर है, ये रूहानी नूरानी घर है। यहाँ उसकी ज्योत मौजूद है। अलबत्ता जहाँ जहाँ जाहिर खाने भी इमाम रहते हैं वहाँ सारे आखे गांव के अंदर बरकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कभी इमाम जिनेवा में रहते हैं तो आखा जिनेवा गांव बरकतों से भरा होता है, कभी इमाम पेरिस में जाते हैं तो सारा पेरिस बरकतों से भरा होता है, सार्डिनिया गया है तो सार्डिनिया भरा जाता है। जहाँ जहाँ इमाम पांव रखता है उसके आजू बाजू में बरकतों की बारिश होती है। मगर बरकतें किसके लिए, किसके लिए? जो बरकत उठाने के लायक होवे। हज़रत इमाम पेरिस जावे, पेरिस के अंदर 65-70 लाख आदमी की बस्ती है, चोर भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। तो अबू अली मिशनरी बोलता है कि सारे आखे गांव के अंदर बरकतें होती हैं, तो ये चोर डाकू ये बदमाश वो भी तो होते हैं। हाँ होते हैं। आसमान से जब बारिश गिरती है, वाड़ी के अंदर फूलों के अंदर गिरे तो उसमें से खुशबू निकलती है, लेकिन कोई गंद का ढेर पड़ा होवे, उस ढेर के ऊपर, गंद के ऊपर बारिश पड़ेगी तो उसमें वास निकलेगी, क्योंकि वो उसके अंतकरण के अंदर खराबी है। इसी तरह से जिस आदमी का अंतर पाक है, रहमतें बरकतें उसके अंदर पुष्प और फूल पैदा करती है, कस्तूरी की बास आती है, गुलाब और चंबेली जैसी खुशबू निकलती है, और बदमाश आदमी के दिल के अंदर खुदा की रहमतें उतरने पर भी उसके दिल के अंदर से वो गंदगी नहीं जाती, जब तक के वो आदमी खुद अपनी मेहनत से उस गंदगी को दूर न करे। खुदा की रहमत पाने के लिए हमको लायक बनना चाहिए। मोमिनों, ये जमात खाने, इमाम के घर, सुबह शाम, मैंने आपको एक वाज में कहा है कि सिर्फ आदमी ही नहीं, रूहानिया भी हैं, और रूहानिया 24 घंटे आती हैं, 24 घंटे रूहानिया आती हैं, फरिश्ते आते हैं इस जमात खाने के अंदर, उनसे दोस्ती करो, उनको सलाम करो, उनको याद करो। हम अपनी दुआओं के अंदर उनको याद करते हैं, वो लोग इधर मौजूद होते हैं। तो ये जमात खाना है जहाँ इमाम की तरफ से हमें ऐसी रहमतें, नवाजशें और बरकतें मिलती हैं कि हमको दीन में, दुनिया में, इस जमात खाने के अंदर से सब नेक मुरादें मिलती हैं। आप इधर अपनी मुरादें मांगो, तस्बीहां निकालो, सजदे करो, अपनी औलाद को ईमान सिखाओ, अपने ईमान को मजबूत करो, और मौला के पास अपने लिए और सारे जहान के लिए हमेशा अच्छी दुआएं मांगो। इंशाल्लाह दिन दुनिया के अंदर मौला आपको सुखी रखेगा। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दिन दुनिया में सुखी आबाद करे, फरमान बरदार मोमन बनावे, दसवन सुकरी नेक अमाल में पूरा करे, हर बदी बला बदों से दूर रखे, दुश्मन आपके दफा करे, जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी में बरकत देवे, तंदुरुस्ती में बरकत देवे, इज्जत आबरू बढ़ावे, ईमान बढ़ावे, और जान माल के साथ इस दुनिया और उस दुनिया में हमेशा अपने छतर छाया में रखे। ज़ाहरी बातूनी दीदार नसीब करें।